Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केस से। जीरो ने पॉजिटिव केसेस 7 रजिस्टर हुए हैं और जीरो डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं जीरो पर। कोविड डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। कर्नाटक भर में करीब 109 पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं। दूसरा दिन लगातार है जहां पर गुलबर्गा कोविड फ्री नजर आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर कोविड के केसेस ना हो और हम सब जल्द से जल्द कोविड फ्री हो जाएं। उसके बाद बड़ी खबर ला रहे हैं जहां पर हम बात करते हैं श्रीरंगपट्टनम से। जी हाँ, जिस तरह से हाल ही में एक मस्जिद के चलते हुए एक इशू चल रहा था, अब ये मामला चला है श्रीरंगपट्टनम के अंदर, जहां पर काशी विश्वनाथ टेम्पल ज्ञानोपी मॉस्क कॉम्प्लेक्स के अब इशू के बाद जो उत्तर प्रदेश वाराणसी में हुआ था, अब ये मामला आ चुका है जहां पर नरेंद्र मोदी विचार मंच ये बिलीव करता है कि जो जामा मस्जिद है श्रीरंगपट्टनम में, जो 120 किलोमीटर है स्टेट कैपिटल बेंगलुरु से, जहाँ टीपू सुल्तान के वक्त पर वहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई थी, वहाँ पर एक हनुमान टेम्पल पहले था। मन से ये कहना है कि वहाँ पर अब हिंदुओं को इजाज़त दी जाए और वहाँ पर पूजा करने की परमिशन दी जाए जामा मस्जिद में, जिसे मस्जिद आला कहते हैं। मंच के लोगों का ये कहना है कि एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जहां पर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने पर्शिया के रूलर को लिखा था कि यहां पर एक वक्त पर हनुमान टेंपल था और इस इंस्क्रिप्शन जो है पिलर्स पे लिखे हुए हैं जो हमारी बात को एक सपोर्ट देते हैं। लेकिन एक और रूल आप सब जानते हैं कि आज़ादी के वक्त पर जो जो मामले जैसे थे वैसे ही रखे जाएंगे, ये रूल भी आया है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, तो इसे भी मानना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, ये जो साइट है 1782 में बिल्ड की गई है और हेरिटेज साइट के तौर पर इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करती है और वहाँ पर एक मदरसा भी चलता है। ऐसे चलते हुए कर्नाटक के अंदर तो धर्म के मामले पे कुछ ना कुछ आगे पीछे चलते रहता है। अब एक और चीज़ एजुकेशन के अंदर कुछ घुस चुकी है, वो है कि कर्नाटक बुक ने 10th स्टैंडर्ड के जो सिलेबस है उसके अंदर भगत सिंह साहब का बड़ा चैप्टर जो है वो निकाल दिया है और आरएसएस के फाउंडर की एक स्पीच है वो डाल दी है। उसको चलते हुए स्टूडेंट की जो बॉडी आती है जिसके अंदर अब शामिल है ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और ऑल इंडिया सेफ एजुकेशन कमेटी, ये दोनों इसे खुले तौर पर इनकार कर रहे हैं, इसे विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो फाउंडर थे हमारे आज़ादी के मूवमेंट के, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जो डेमोक्रेटिक साइंटिफिक और सेकुलर एजुकेशन जिसको देने की जिम्मेदारी है, उन लोगों की आप चैप्टर्स को हटाते हैं और आप इस तरह के चैप्टर्स को या एजेंडे को लाते हैं, तो एजुकेशन के अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ा एजेंडा आता जा रहा है जिसको कि बच्चों के लिए भी काफ़ी डेंजर है और स्टेट के लिए भी काफ़ी ये गलत मैसेज आ रहा है। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद एक खबर ला रहे हैं जहां पर एक्सीडेंट हुआ है अलंद रोड पर। जी हां, इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है क्योंकि हमें भी फॉरवर्ड वीडियोस आए थे और कई सारे लोगों का अलग अलग बयान था, लेकिन एक बात ये समझ में आई कि वहां पर एक शख्स की जो है स्पॉट पर डेथ हो चुकी है। वो शायद बाइक चला रहे थे, उन्हें मार पड़ा और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। उसके अलावा कई सारे मल्टीपल कार्स इस एक्सीडेंट के अंदर नज़र आ रहे हैं क्योंकि रात का समय था, वक्त पे जो वीडियो जितना भी रिकॉर्ड हुआ उसके अंदर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल कार्स को डैमेज किया गया, यानी कि एक के पीछे गाड़ियों को जो है कुछ ना कुछ सामने एक्सीडेंट होने की वजह से मार पड़ा है। एक की डेथ हो चुकी है और कई सारे लोग इंजर्ड हैं जिन्हें 108 एम्बुलेंस आकर पिकअप करी जा रही है और इस एक्सीडेंट के अंदर एक एम्बुलेंस भी है, इस तरह भी वीडियोज़ दिख रहे हैं। जैसे ही हमें क्लैरिटी मिलेगी हम ज़रूर आपको आगे बताएंगे। आम आदमी पार्टी के आलम तालुका की मीटिंग रखी जाई है अंडर द एबिलिटीशिप ऑफ चंद्रशेखर हिरामार। जी हां, 20 में जुम्मा के दिन श्रीराम मार्केट अलंद में ये मीटिंग रखी जाएगी। 20 तारीख को 5 बजे को श्रीराम मार्केट को मैं सब अलंद का लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा है, ये मीटिंग अलंद का डेवलपमेंट के लिए है, अलंद का विकास कैसा होना, इसलिए आप सब आके आपका जितना भी ओपिनियंस है, जितना भी सोच है, आप हम लोगों को बोल सकते। 662
उर्स शरीफ हजरत शेख दक्कन शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनेदी रहमतुल्लाह अलैह का आज संदल मुबारक निकाला गया, जिसमें मौके पर डॉक्टर सिराजुद्दीन साहब और एडवोकेट वाहजवा मीना साहब और सभी जिम्मेदार लोग यहां पर मौजूद रहे और ये महबूब गुलशन से इस संदल निकलते हुए जो रस्म की जाती है, दो साल कोविड में ये सब नहीं अलाउ किया गया था, ये सब लोग इसके क्लोज डोर में कर रहे थे, लेकिन इस बार मौका मिला है। उसके बाद ये उर्स की जो सरमनी है, उर्स जो है महबूब गुलशन से निकलते हुए उसके बाद मार्केट मस्जिद पहुंचते हुए उसके बाद सीधा दरगाह शरीफ लाया जाएगा और वहां पर अजमत औलिया का एक प्रोग्राम में रखा गया है और सुबह 8 बजे संदल माली भी की जाएगी। जरूरत नहीं होती तो फिर अल्लाह इन महबूबों को क्यों भेजता? तो फिर आप जरा ये बताएं कि तौहीद के मानने वालों को तौहीद सिखाया किसने है? ये सरकार शेख दक्कन ने सिखाया है। तौहीद के मानने वालों तक तौहीद पहुंचाया किसने है? सरकार शेख दक्कन ने पहुंचाया है। तौहीद का इकरार करने वालों को इख्लार और तस्दीक की बात सिखाई किसने है? सरकार शेख दक्कन ने सिखाई है, सरकार बंदा नवाज ने सिखाई है और यह अल्लाह ने सिखाई है, तभी तो हमको पता चला। उसके बाद हम बात करते हैं रेज योर वॉइस फॉर जस्टिस ऑफ किड मुजम्मिल। जी हाँ, जिस तरह से आप जब जानते हैं कि दो सालाना किड जो बच्चा था मुजम्मिल, जिसकी बहुत ही भयानक तरीके से मौत की गई थी, मर्डर किया गया था और रेती में फेंका गया था, अब तक 6 महीने होने आए हैं, अब तक कोई जस्टिस नहीं मिला है। 1 हफ्ते की स्ट्राइक हो रही है जगत सर्कल पर। आप सबसे गुजारिश की जाती है कि आप सब लोग आएँ और इसके अंदर शरीक किएँ। जी हाँ, कई सारे लोग, कई सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और उलमा इकराम एक्टिविस्ट को सबको गुजारिश की जा रही है कि इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हो जाएँ और मुजम्मिल के घर वालों को जो है आप इंसाफ दिलाएं। जी हाँ, खास करके ये जो है मुजम्मिल की फैमिली के साथ साथ सिराज शाब्दी और एंटायर उनकी सोशल ग्रुप और कई सारे लोग में जुड़ चुके हैं और इस इवेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। ई कॉलेज नली गर्ल स्टूडेंट्स के स्पेशल एनकरेजमेंट इदे। ಈ ಕಾಲೇಜು ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ರಿಕಮೆಂಡೆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. MMPU ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ 2022-23. ಆಖಿರ್ ಮೇ ಹಮ್ ಬಾತ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಹೈನ್ ಆಜ್ ಕಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಕಿ। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहाँ मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपके इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है वरिंग डज नॉट टेक अवे टुमारोज ट्रबल्स, इट टेक्स अवे टूडेज पीस। यानी कोई चीज़ पर परेशान होने से आपकी कल की परेशानी तो टलती नहीं है, लेकिन आज की आपका जो सुकून है वो गायब हो जाएगा। यानी कि कल कल की परेशानी है, आप उसकी परेशानी में सोच सोच के आप अपनी तबीयत ख़राब कर रहे हैं, उस बारे में नेगेटिव सोचते जा रहे हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि उसकी वजह से आज का आपका दिन ख़राब निकलेगा। उसका रास्ता कैसा निकालना है उसके बारे में पॉजिटिव रहें और उसका सही रास्ता निकालें तो आपको वो परेशानी नहीं होगी। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी कोशिश को काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार, फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। ये आप बन सकते हैं गोहैश के मेंबर। मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें, एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग गोहैश। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। Delhi Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for Suits and Sherwanis.